पारस हाँ। मैं मोटी हो गई हूँ क्या? अरे नहीं, किसने बोला? तो फिर मुझे उठा के बस स्टॉप तक ले जाओ। रुक, मैं बस यहीं लेके आता हूँ। वैसे तो हम पे भी है ना, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन हमारा दिल भी ऐसे कंजर पे आता है जो मैं मुंह ही नहीं लगाता। यार एक बात बताओ यार, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? यू नो व्हाट, शक्ल सब कुछ नहीं होती, मैं तुम्हारे दिल से प्यार करती हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो मैं बदसूरत हूँ? हट, ब्रेकअप। अबे मार क्यों रहा है? मार। अरे भाई भाई, प्रैंक चल रहा है वहाँ पे। अरे हाथ हिला दो, ऐसा हाथ हिला दो। हाँ हाँ। अबे गज्जू, हाँ। ये कल रात से तेरे घर में हल्ला किस बात का मचा हुआ है? यार मम्मी शोर मचा रही कि उनके 5,000 रुपए चोरी हो गए। अच्छा, लेकिन भाई सुबह से मैं 4 बार गिन चुका हूँ, 4,000 रुपए हैं। छुट्टी बाकी तो वेट करेगी। लगता है साला हमको सब कोई भगवान माने लगा बे। तू को कैसे पता बे? अबे आज भोरे भोरे गए थे पार्क तरफ, ठीक हाँ। हमको देख के बड़े सब बोलने लगा कि हे भगवान, ही फिर आ गया। जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। सीधा बेबी, कभी सोचा है अगर मेरी शादी तुमसे नहीं होती तो क्या होता? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचता। करके फंस गया यार, अच्छा खासा टक्कर मारा। मेरे रस के कमर अरे भाई साहब, बहुत ही शिद्दत से लिखा, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। दिल्ली हवा में उड़ने लगे हैं, हुआ पर आया जी, आधे है जा गया। क्या हो गया, इतने गुस्से में आ रही है? अरे यार छोड़कर आ गई मैं अपने बॉयफ्रेंड को। ऐसा क्यों? अरे यार किसी भी लड़के के साथ कहीं बाहर जाओ या किसी भी लड़के से बात कर लो, इतने क्वेश्चंस पूछता था इसीलिए छोड़ दिया। तेरे को पता है वो तेरे पे शक नहीं कर रहा था, वो तेरे को सारी निगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कैसे? यार देख, एक लड़का दूसरे लड़के की पहली लाइन से जान जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए वो तुम्हें उनसे दूर रखते हैं कि फ्यूचर में तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम बिल्कुल सेफ रहो। बेबी तुमने आज कितने अच्छे कपड़े डाले हुए हैं। थैंक यू। तुम्हारे बाल भी अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक यू। मेकअप भी अच्छा किया हुआ है। थैंक यू। पर तुम फिर भी अच्छी नहीं लग रही। आई ओ रिमा पंक रामू रामू साजी आके पानी लेकर आओ। भैया पोखरियाले मंदिर पर केष्टा होता। जा सरो लोगन से उचार चा होता। चुरा के दिल मेरा।
चली। अम्मा देख देख तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, तेरा बाप आया। मेरा बेबी मेरा सोना मेरा बच्चा मेरा जानू, मेरा बेबी मेरा सोना मेरा बच्चा मेरा जानू, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। रूप कति निखरा पाटरा जिकरा बहु के मान गई काली, दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती, यगज बन पानी। इधर उधर की बातें छोड़ो कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो। मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ, लेकिन आपका वो दोस्त क्या नाम है उसका, चंदू, मुझे रोज छेड़ता है। एक मिनट, तुम्हें छेड़ता है कि तुम्हें छेड़ता है? अरे वाह यार, तू तो पहले से बहुत बदल गया। अरे यार, समय के साथ सबको बदलना चाहिए। सही कह रहा यार, मुझे ही देख ले, मैं गर्मियों में नहाया करता था। ओ कात में रख बात करिए लाडले, जितनी छोरी तेरी फ्रेंड लिस्ट में है ना, उस तो गणेश छोरे तो मेरी ब्लैक लिस्ट में है। तेरी आँखों में छाया छाया है सुरूर रे, तेरी जफा मुझे है पता, ना कर खता। ओ मैडम का जलवाली मुझे ना समझ मवाली, जून की गर्मी भी तुझसे कम है, तेरी हॉटनेस नंबर वन है, तुझको जो छूले जल के खत्म है। तम मैं बचेगा बचेगा कैसे बचेगा, करेगा करेगा कुछ भी करेगा, तुझे तो पक्का छू के मरेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हीं ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अबे एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। अच्छा इसे काहे देखो तरहो, जिसे देखो ना पहले लगा तारा तुम्हें जाजो में पिया, लगे नशा बड़ा कहिले। जानो एक काम कर, जरा ये मेरा मोबाइल जो है ना, इसको चार्जिंग पे लगा दे यार, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। तुम्हारी बैटरी हर टाइम खत्म रहती है? अरे जानेवान, मेरी बैटरी तो हर टाइम चार्ज रहती है, ये तो मेरे मोबाइल की खत्म हुई है। अरे बेटा रो क्यों रहे हो? पापा ने मुझे किस नहीं किया। तुमने स्कूल से आने के बाद पापा को गिनती सुनाई थी? मैंने तो नहीं सुनाई, पर वो काम वाली आंटी ने भी कौन सी सुनाई थी। तो बेटा बताओ, सबसे तेज कौन सा पंछी उड़ता है? सर हाथी। नालायक, तेरा बाप क्या करता है? सर वो तो छोटा राजन के गैंग में शार्प शूटर है। बिल्कुल। अरे रे टीबी आही गजब आदमी बारो, लाज शरम बा। ना लाज शरम नहीं की, का हो कहत नहीं की चल जाए जैसे ना, तो पापा के बोला है मैं भाई के तो कूच के चटनी बना दी हम सही जा। भाई एक बात बता, एक बस में 11 गधे थे, उसमें से तेको उतार दिया, तो बता कितने गधे बचे? 10। इंटेलिजेंट है भाई तू, बचपन से घमंड मत करना। पर तू जानते हैं घर में सब कभी कभी बोलता है कि इतना ध्यान पढ़ाई में दी रहती ना तो जॉब भी लग जाता, कहां से कहां होती। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि सब पढ़ के जॉब ही ले लेगा तो हीरोइन कौन बनेगा, अब मार कौन करवाएगा, अब बिजली कौन गिराएगा। मेहरबान कदरदान, फूट पे लग गई है हंसने हंसाने की दुकान, आ रहा है वीगो कॉमेडी महासभा का पहला सीजन। खूब हंसाया यार दोस्तों को अपने मोहल्ले में, अब हंसेगा पूरा इंडिया आपकी कॉमेडी के हल्ले से। वीगो पे अपनी कॉमेडी से हंसाओ और अपने राज्य का नाम देश में चमकाओ। तो वीगो ऐप डाउनलोड करो और तुरंत अपना कॉमेडी ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजो। आपके वीडियो के जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा आपके चांस वीगो कॉमेडी महासभा में जाने के। वीगो कॉमेडी महासभा सिर्फ वूट पर। पापा, हाँ।
मेरी शादी करा दो यार। शादी तेरी? तेरे जैसे कंजर को कौन लड़की देगा? क्यों, आपको नहीं दी क्या? मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आज से 2 महीने पहले हम बहुत गरीब थे, बहुत हद से ज्यादा गरीब थे। फिर हमने टीवी पे देख के शुभलक्ष्मी धनवर्षा यंत्र मंगवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 2 महीने में ही हमारे पास 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। पालपुरिया